हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रशीद मेडिकल एजुकेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट फोर ऑफ कार्डिक कार्डियक रिदमिया कार्डियक का पार्ट फोर है ये लास्ट पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं वेंट्रिकुलर एरिदमिया या फिर वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो वेंट्रिकुलर एरिदमियाज या फिर डिसरिदमियाज सो वेंट्रिकुलर एरिदमिया का मतलब है कि वेंट्रिकल्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से एरिदमिया हो रहा है एरिदमिया या फिर कार्डिय एरिदमिया का मतलब होता है जब हार्ट की जो नॉर्मल रिदम होती है और जो नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर इरेगुलर हो जाता है तो उसको बोलते हैं एरिदमिया सो ए रिदमिया मीन्स हार्ट रेट या फिर हार्ट रिदम में डिस्टर्बेंस आना हार्ट रिदम का मतलब है कि जो एक रेगुलर पैटर्न में हार्ट बीट करता है एक रेगुलर उसका पैटर्न है रिपीटेड पैटर्न है अगर उस पैटर्न में इरेगुलरिटी आती है सो दैट इज़ हार्ट रिदम में इरेगुलरिटी आना और हार्ट रेट में इरेगुलरिटी आना मतलब कि जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट है वो है सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट और इन सम बुक्स इट इज़ सिक्सटी टू नाइनटी पर मिनट जो कि एक रेंज है और स्पेसिफिकली ये होता है 72 beats इसमें अगर कोई भी regularity आती है, तो उसको हम बोलते हैं में आना। या so, या फिर ventricular या फिर ventricular cardiac arrhythmia का मतलब है कि वेंट्रिकल्स में डिस्टर्बेंस आने के कारण कोई एरिदमिया uh, हो रहा है हार्ट में सो so, इसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक uh, है ये। चारों जो भी अभी तक हमने पार्ट्स किए हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वेंट्रिकुलर एडिडमियाँ है, बिकॉज ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है इससे डेथ हो सकती है पर्सन की सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से सुनम सो so, वेंट्रिकुलर मस्कुलेटर एज स्पेस मेकर इसमें क्या होता है हमने जो भी प्रीवियस वीडियोस करी हैं सबसे जो पार्ट वन किया था उसमें हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मो टॉपिक क्या होता है नॉर्मो टॉपिक मतलब कि जिसमें जो हमारा पेस मेकर है वो क्या है साइनस नोड मेन साइनो एट्रियल नोड सो so ये हमारा साइनो एट्रियल नोड है दैट इज एस ए नोड इसको साइनस नोड भी कहते हैं सुपीरियर वेना केवा के जस्ट बिलो uh, ओपनिंग के पास ही ये प्रेजेंट होता है और ये है हमारा राइट एट्रियम दिस इज लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सो राइट एट्रियम में राइट uh, एट्रिया right में प्रेजेंट होता है ऐसे नोड साइनो एट्रियल नोड और ये जो नोड है ये हमारा प्राइमरी पेस मेकर है हार्ट का प्राइमरी पेस मेकर का मतलब है कि यही हार्ट का रेट और रिदम को सेट करता है सो so, इससे जो इम्पल्स जनरेट होती हैं वो एट्रिया में स्प्रेड हो जाती हैं क्योंकि ये जो मसल फाइबर है इंटरकनेक्टेड है ऐसे नोड के साथ सो so, ऐसे नोड क्या है कुछ नहीं है स्पेशलाइज न्यूरोमस्कुलर सेल्स का एक नोड है एक गांठ है और ये जो नोड है ये क्या है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करता है इसके पास हार्ट के पास रिदमिसिटी की पावर होती है कैपेबिलिटी होती है या फिर सेल्फ एक्साइटेशन की पावर होती है सो वो सेल्फ एक्साइटेशन या फिर रिदमिसिटी का मतलब है कि हार्ट के पास जो नोड्स हैं स्पेशलाइज सेल्स हैं ये जो मस्कुलर सेल्स हैं ये स्पेशलाइज सेल्स हैं कि ये अपने आप इम्पल्स जनरेट करते हैं बट जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ हार्ट का रेट डिक्रीज़ और इंक्रीज करने में हेल्प करता है जैसे कि कुछ हॉर्मोन्स के लिए रिस्पॉन्स करना या फिर आ, कुछ कंडीशन जैसे कि स्ट्रेसफुल कंडीशंस फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में उस टाइम पर क्या है हार्ट का जो रेट है उसको कंट्रोल करता है लेकिन हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो हमारे ब्रेन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सो so, इसमें सेल्फ एक्साइटेशन की कैपेबिलिटी है सो साइनोएट्रियल नोड से इंपल्सिस ट्रांसफ़र होती हैं पूरे हार्ट पर और पूरा हार्ट बीट करता है जब साइनो एट्रियल नोट प्राइमरी पेसमेकर की तरह एक्ट करता है और ये नॉर्मली उस टाइम पर हार्ट रेट हमारा नॉर्मल होता है जो कि होता है सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट एडल्ट में इतना रेंज करता है और जो हमारा हार्ट रिदम होता है वो भी नॉर्मल होता है पी क्यू आर एस टी वे नॉर्मल होती है सो so, जब ऐसे नोड पेस मेकर होता है तो उसको क्या बोलते हैं साइनस रिदम साइनस रिदम हमारी नॉर्मल रिदम होती है तो जो हमने पार्ट वन डिस्कस किया था उसमें हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की थी काडे के रिद्मिया की और पार्ट सेकंड में हमने डिस्कस किया था कि अगर जो ये ऐसे नोड है यही पेस मेकर की तरह एक्ट कर रहा है फिर भी कुछ डिस्टर्बेंसेज आ रही है इरेगुलरिटीज आ रही हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल टॉपिक ए रितिमिया मीन्स जिसका ओरिजन नॉर्मल है तो नॉर्मल ओरिजन क्या होता है ऐसे नोड पार्ट थर्ड में हमने डिस्कस किया था कि जिसमें जो ओरिजन है इम्पल्सिस का वो क्या है या तो एट्रिया की मसल्स ये जो एट्रियल मसल्स हैं ये हैं ओरिजन ये पेसमेकर की तरह एक्ट कर रही हैं किसी प्रॉब्लम की वजह से या फिर ये जो सेकेंड नोड है दैट इज एवी नोड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड ये पेसमेकर की तरह एक्ट कर रहा है तो वो हमने पार्ट थर्ड में डिस्कस किया था इट मीन्स प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था तो अगर ऐसे नोड के अलावा कोई भी जो स्ट्रक्चर है हार्ट का वो पेसमेकर की तरह एक्ट करता है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक एरिद्मिया एक्टॉपिक मीन्स जिसका ओरिजन नॉर्मल से डिफरेंट है तो नॉर्मल से डिफरेंट क्या होगा एसिनोड के अलावा अगर कोई भी ओरिजन होता है इम्पल्सिस uh, का प्राइमरी ओरिजन क्या है एसिनोड लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ओरिजन होता है हार्ट में कोई भी स्ट्रक्चर चाहे वो है, है, मसल है चाहे एवी नोड है चाहे वेंट्रिकुलर मसल्स हैं तो वो किस में आएगा एक्टोपिक एरिदमिया में इसी में ही हमारा आज का टॉपिक है वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया या फिर वेंट्रिकुलर एरिदमिया इसमें जो पेस मेकर की तरह एक्ट करेगा वो क्या करेगा वेंट्रिकुलर मस्कुलेटर एज पेस मेकर ये जो वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वेंट्रिकल्स के जो भी मसल्स हैं मायोकार्डियम है, है इसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से ये ओवर स्टिमुलेटेड होने के कारण ये पेस मेकर की तरह एक्ट करेंगे ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे सो so, उस केस में आता है वेंटिकुलर डिसरितमिया सो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे नोड हमारा पेस मेकर है प्राइमरी पेस मेकर जो कि हार्ट रेट को सेट करता है हार्ट रिदम को सेट करता है तो ऐसे नोड से इम्पल्सिस ट्रांसफ़र होती हैं एट्रिया में देन एट्रिया से ए नोड में आती हैं ए वी नोड देन पॉइंट वन सेकेंड का डिले लेता है ताकि जो हमारे एट्रिया हैं वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और जो वेंट्रिकल्स हैं उनमें ब्लड फिल हो जाए तो उसके बाद जब वेंट्रिकल्स में ब्लड फिल हो जाता है पॉइंट वन सेकेंड में देन ये जो ए वी नोड है ये अपनी इम्पल्सिस को आगे ट्रांसमिट करता है उसके बाद ये जो एवी नोड है ये बंडल ब्रांचेस जो कि बंडल ऑफ हिस हैं इसमें डिवाइड होता है राइट बंडल ब्रांच लेफ्ट बंडल ब्रांच जो कि राइट वेंट्रिकल को सप्लाई और लेफ्ट बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देन ये जो बंडल ब्रांचेस हैं ये छोट छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है जिनको क्या बोलते हैं ये वाली दीज आर परकिजे फाइबर्स जो कि पूरे वेंट्रिकल्स में देन क्विकली uh, से इम्पल्स स्प्रेड हो जाती है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं सो दिस इज़ नॉर्मल अब एब क्या है वेंट्रिकुलर डिसरिदमिया में कि ऐसे नोड से इम्पल्स नॉर्मली नहीं जा रही जो ये वेंट्रिकल्स हैं ये अपने आप स्टिमुलेट हो रहे हैं अपने आप से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं ओरिजिन हो रहा है यहाँ से तो वो कब होगा कि यहाँ तो जो वेंट्रिकल्स के मसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे इरीटेटेड हो जाएंगे ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे ओवर स्टिमुलेटेड हो जाएंगे या फिर क्या होगा कि ये जो वेंट्रिकल्स के मसल्स हैं इनमें कुछ स्कारिंग हो गई है अगर कुछ स्कार बन गए हैं यहाँ पर डैमेज हो गए हैं सेल्स तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पलसेस हैं वो यहाँ से इनके आसपास ही रिवॉल्व होती रहेंगी इनके आसपास ही अराउंड एंड अराउंड इनके रिवॉल्व होंगी और ये जो स्कार की वजह से भी ये जो वेंट्रिकल मसल है ये स्टिमुलेट हो सकते हैं और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं एट अ फास्टर रेट सो इसमें कुछ कंडीशंस आती हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज़ वेंट्रिकुलर टेकी और जिसको वीटी या फिर वीटेक भी बोलते हैं So, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंडीशन वेंट्रिकुलर टेकीडिया वेटी उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वी फिब अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये पूरा जो लेक्चर है ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर वी फिब नेक्स्ट इज प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन पीवीसी नेक्स्ट इज़ वेंट्रिकुलर एसटॉल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, इन सभी को अब हम स्टेप बाय स्टेप सारे जो टॉपिक्स हैं इनको इंडिविजुअली अभी हम डिस्कस करेंगे सो फर्स्ट इज़ वेंट्रिक्युलर टेकिकार्डिया सो वेंट्रिक्युलर टेकिकार्डिया का मतलब है इसको वी या फिर वी टेक भी बोलते हैं या फिर इसको एक और नाम है दैट इज वेंट्रिक्युलर पैरॉक्सिसमल टेकिकार्डिया सो पैरॉक्सिसमल का मतलब होता है सडनली एंड रैपिडली सो वेंट्रिकुलर टेकीकाराडिया का मतलब है कि जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं हार्ट का जो लोअर चैम्बर्स हैं दोनों वेंट्रिकल्स इनमें टेकीकाराडिया होगा टेकीकाराडिया मीन्स जब हमारी हार्ट रेट 100 से अबव जाती है तो नॉर्मल हमारी 60 टू 100 होती है जब 100 से अबव हार्ट रेट चली जाती है तो उसको टेकी कार्डिया बोलते हैं अगर हमारे स्पेसिफिकली वेंट्रिकल्स में टेकी कार्डिया हो रहा है वेंट्रिकल्स फास्ट बीट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर uh, टेकी कार्डिया दैट इज वीटी या फिर वी सो वीटी क्यों होता है डेफिनेशन क्या है इसकी सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट दैट इज़ हंड्रेड टू टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट तो मैं वन बाय वन लाइन को इसलिए रीड करती हूँ ताकि समटाइम्स आपको स्पेलिंग uh, में प्रॉब्लम हो रही है अंडरस्टैंड करने में तो मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ आप उससे समझ जाएँ कि मैंने क्या लिखा है सो so, अगर हार्ट रेट हमारी जो वेंट्रिकल्स में जो हार्ट रेट है वो सडनली इंक्रीज हो जाती है सडनली एंड कितनी हो जाती है इंक्रीज हंड्रेड से अबव कितनी 100 टू 200 पर मिनट वी में कितनी हो जाएगी 100 टू 200 पर मिनट और इवन समाइम्स अप टू 250 पर मिनट्स विद रेगुलर रिदम नाउ वीटी में आपने ये ध्यान देना है वेंटिकुलर टेकिकार्डिया में कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है लेकिन इसमें जो रिदम है वो इरेगुलर नहीं रहती रेगुलर ही रहती है रिदम रेगुलर रहेगी पैटर्न रेगुलर रहेगा लेकिन बहुत रैपिड होगा फास्ट होगा कोस्ड बाय एक्टॉप फोकाए अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिक्यूलर मस्कुलेचर अब ये जो रेपिड हार्ट रेट है ये क्यों हो जाती है क्योंकि जो हमारे वेंट्रिकल का जो मसल है ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं सो इनके जो मसल्स हैं इनके मसल में से एक्टॉपिक फोकाए मीन्स जो इनके मसल में से इम्पल्स हैं वो ऑरिजिनेट होने लग जाती हैं इसलिए इसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर टेकीकारडिया और एक्टोपिक फोकाए अराइजिंग फ्रॉम वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर क्योंकि नॉर्मली तो हमारा ऐसे नोड से ही इम्पल्सिस जनरेट होती हैं वहाँ से जनरेट होके आगे पास ऑन होंगी बट अगर वेंट्रिकल के मसल से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने लग जाती हैं वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक ऑरिजनेटिंग फ्रॉम वेंट्रिकुलर मसल सो वेंट्रिकुलर मसल से अगर एक्टॉपिक फोकाए ऑरिजिनेट होती है तो वेंट्रिकुलर टेकि कार्डिया की कंडीशन होती है ना ये टू टाइप्स का हो सकता है वेंट्रिकुलर टेक्की कार्डिया एक होता है सस्टेंड एक होता है नॉन सस्टेंड सस्टेन्ड का मतलब है कि जो थर्टी सेकेंड से ज़्यादा तक रहता है तो एरिदमिया लास्ट मोर देन थर्टी सेकेंड्स सो एरिदमिया मीन्स जो वेंट्रिकुलर टेक्की कार्डिया है जो हार्ट रेट है वो सडनली इंक्रीज होगा और 30 सेकेंड से ज़्यादा तक रहेगा उसको बोलते हैं सस्टेंड विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग ये देन फर्दर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है एंड कैन लीड टू डेथ नॉन सस्टेंड का मतलब है कि जो फ्यू सेकेंड्स के लिए रहता है मीन्स लेस देन 30 सेकेंड्स के लिए रहता है एंड देन सिम्टम्स बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं हार्ट नॉर्मल फंक्शन करने लग जाता है नेक्स्ट हम चलते हैं इन वी टी वेंट्रिकल्स बीट टू फास्ट अब क्या होता है नॉर्मली हमारा एसे नोड पेसमेकर की तरह एक्ट करता है और एसे नोड से इम्पल्स एट्रिया में ट्रांसमिट होते हैं देन एवी नोड से इम्पल्सिस वेंट्रिकल्स में ट्रांसमिट होते हैं तो ये हमारा नॉर्मल हार्ट रेट और रिदम होता है लेकिन जब वेंट्रिकल के जो मसल हैं वो ऑरिशिनेट करेंगे वो एक्साइटेड होंगे और वो इम्पल्सिस को जनरेट करेंगे तो क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो बहुत फास्ट बीट करते हैं फास्ट बीट करने का मतलब है बहुत फास्ट वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक मिनट में जो हमारा हार्ट है नॉर्मली वो 60 टू 100 बीट्स पर मिनट कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसका क्या मतलब है कि जब एवी वी नो ऐसे नोड से इम्पल्सिस एट्रिया में ट्रांसफ़र होती है तो उसके बाद जो एवी नोड है वहाँ पर इम्पलस आगे जाने में वेंट्रिकल्स में जाने में पॉइंट वन सेकेंड का डिले लगता है ताकि जो वेंट्रिकल्स हैं वो ब्लड से फिल हो जाए वेंट्रिकल्स रिलैक्स रहें और ब्लड से कम्प्लीटली फ़िल हो जाएँ जो एट्रिया से ब्लड आ रहा है और जब वेंट्रिकल्स ब्लड से फिल होंगे तभी तो वो हमारे बॉडी में ब्लड जाएगा कार्डिक कार्ण आउटपुट जाएगा राइट पल्नरी आर्टरी में ब्लड जाएगा जो कि हमारे लंग्स तक जाएगा सो so, अगर वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेंगे बीट रैपिडली बीट करेंगे रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कितना 100 टू 200 पर मिनट सो यू कैन इमेजिन एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं लेकिन हमारा हार्ट कितनी बार बीट करा है 100 टू 200 पर मिनट और इवन अप टू 250 पर मिनट इन वी वीटी में ओनली तो ये जो वेंट्रिकल्स uh, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं इनको बीच में इतना टाइम नहीं मिल रहा रिलैक्स होने का इसका मतलब तो यही है कि वो इतनी जल्द जल्दी जल बीट कर रहे हैं तो जब ये कम्प्लीटली रिलैक्स नहीं होंगे तो यहाँ से ब्लड कम्पलीटली फिल नहीं होगा वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं आएगा जब वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं होगा राइट right? अब ये यहाँ पर वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं आ रहा है प्रॉपरली क्योंकि ये कंप्लीटली रिलैक्स ही नहीं हो रहे बहुत फास्ट बीट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी इनफेक्टिव है कम्प्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करने में भी तो टाइम लगता है लेकिन ना तो ये कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना कंप्लीटली रिलैक्स हो रहे हैं जस्ट ये फास्टली और रैपिडली बीट कर रहे हैं जिसकी वजह से जो ब्लड है वो आगे नहीं पास होगा वेंट्रिकल से ब्लड आयोटा में नहीं जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल से ब्लड पलनरी आर्टरी में नहीं जाएगा तो कार्डियक का आउटपुट क्या होगी ना बराबर होगी बहुत कम होगी ब्लड हमारी ना बॉडी में गया ना लंग्स में गया तो इससे क्या होगा जब वेंट्रिकल बहुत फास्ट बीट करेंगे सो क्या होगा दैट इट डज नॉट गेट टाइम टू रिलैक्स इन बिटवीन जब इनको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा बीच में वेंट्रिकल्स को तो ये फिल भी नहीं होंगी ब्लड से इनको इतना टाइम भी नहीं मिलेगा कि इनमें ब्लड फिल हो सके जब ब्लड फिल नहीं होगा तो कार्डियक का आउटपुट हमारा कितना होगा कम होगा बहुत कम होगा वेरी लेस और सम अगर कार्डिय आउटपुट कम होगा तो क्या होगा हमारी बॉडी में ब्लड नहीं जाएगा टिश्यूज़ को ब्लड नहीं मिलेगा ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा ऑक्सीजन नहीं मिलेगी लंग्स को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगी इवन हार्ट को ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिलेगी क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज ने भी तो आ, हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करनी है तो इन कंडीशन में क्या होता है बहुत सारे सिम्टम्स अराइज होते हैं फेंटिंग होती है थकावट हो जाती है तो वो ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप सो कार्डिक आउटपुट लेस है और समटाइम्स क्या होता है कि जब ये बहुत फास्ट बीट करते हैं जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं जब ये बहुत फ़ास्ट बीट करेंगे तो ये क्या है इनफेक्टिवली बीट कर रहे हैं इनमें ब्लड तो ऑलरेडी है ही नहीं ब्लड बहुत कम है ना बराबर वीटी में तो जब वेंट्रिकल्स में ब्लड नहीं होगा क्योंकि ये रिलैक्स नहीं हो पाए हैं इसमें ब्लड फिल नहीं हो पाए हैं तो जब ब्लड आगे पास होता है तभी तो हमें पल्स फील होती है और जब वी में जो वेंट्रिकल्स हैं हमारे उनमें ब्लड फील नहीं होगा तो ब्लड आगे पास भी नहीं होगा तो पल्स नहीं होगी इन सम केसेस वी में पल्स नहीं फील होती तो वी में पल्स हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती सो so ये एक कंडीशन है वी में तो वी में पर्सन के पास दो तरह की वो चीजें शो करेगा पर्सन में नोट शो पल्स या तो वो पल्स शो नहीं करेगा इन सीवियर कंडीशन जिसको बोलते हैं पल्सलेस वेंट्रिक्यूलर टैकीाडिया वीटी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज़ पल्सलेस वेंटिक्यूलर टेकिकार्डिया दूसरा है विद पल्स और कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें पल्स प्रेजेंट होती है सो so, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं येस yes, कि ये वाले पेशेंट्स थोड़े स्टेबल हैं तो ये दोनों कंडीशंस हो सकती हैं पल्स इसलिए हमें फील नहीं होगी क्योंकि ब्लड ही नहीं है वीटी में वेंट्रिकल्स uh, में ब्लड नहीं है और वो आगे पास भी नहीं हो रहा जो वेंट्रिकल्स है वो इनइेक्टिवली बीट कर रहे हैं बीट तो कर रहे हैं लेकिन इनफेक्टिवली इनइफेक्टिवली मतलब ना तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना अच्छे से रिलैक्स हो रहे हैं तो जब वो बस बीट करेंगे और उनमें ब्लड फील नहीं होगा तो ब्लड आगे पास नहीं होगा तो जो एक्चुअल पल्स है वो फील नहीं होगी तो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टक्की एंड विद पल्स वेंट्रिकुलर टेक्की नेक्स्ट आते हैं इसके कोजेस अब ये क्यों होता है ऐसे सो so, कोज़ेस क्या हो सकते हैं दो कारण हो सकते हैं इसके दो रीज़न्स हो सकते हैं एक हो सकता है वेंट्रिकुलर मसल सेल बिकम सेल्फ एक्टिवेटेड जो वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं ये जो मसल्स हैं वेंट्रिकल के ये क्या हो गए हैं सेल्फ एक्टिवेटेड हो गए हैं किसी भी रीज़न की वजह से वैसे इसके दो कॉमन रीजंस होते हैं और भी रीजंस हो सकते हैं दो कॉमन रीजन क्या है कि हार्ट के जो मसल हैं वो डैमेज हो चुके हैं जब हार्ट के मसल डैमेज हो जाते हैं वेंट्रिकल के मसल डैमेज होते हैं या तो वो हार्ट अटैक से हो सकते हैं जिसकी वजह से स्कार फॉर्मेशन हो जाती है हार्ट में डेड टिश्यू फॉर्म हो जाते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस में हार्ट अटैक की वजह से या फिर हो सकता है इस्कीमिया की वजह से स्कीमिया मतलब जो हार्ट के मसल हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही तो ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही वो किस वजह से नहीं मिल रही कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ की वजह से हो सकता है क्योंकि अगर जो पर्टिकुलर कॉर्नरी आर्टरी वेंट्रिकल के मसल को सप्लाई कर रही है और उसमें अगर ब्लॉकेज है तो उस मसल को ब्लड प्रॉपरली नहीं जाएगा जब ब्लड प्रॉपर्ली नहीं जाएगा वहाँ के पर्टिकुलर टिश्यू में डैमेज हो जाएगा डेड हो जाएंगे वो तो बेसिकली मसल डैमेज होने की वजह से ये कंडीशन अराइज होती हैं प्लस कुछ कॉन्जेनाइटल भी होती है जैसे कि कॉन्जेनाइटल लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम उसमें भी हो सकता है तो फर्स्ट कंडीशन है वेंट्रिकुलर मसल सेल बिकम सेल्फ एक्टिवेटेड सो जो वेंट्रिकल vent के मसल सेल हैं ये सेल्फ एक्टिवेटेड हो जाएंगे जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे सो so, जब ये सेल्फ एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो वेंट्रिकल के मसल सोच रहे हैं हाँ मैं पेसमेकर बनूंगा मैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस को जनरेट करूंगा तो ये क्या हो जाते हैं सेल्फ एक्टिवेटेड ओवर स्टिमुलेटेड या ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं ये सेल्स सो so, ये कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं कि जब मसल्स को ऑक्सीजन uh, नहीं मिलेगी डैमेज हो जाएंगे वो कुछ हार्मोन हार्मोन्स की वजह से ये हो सकता है सो so, उन कंडीशन की वजह से ये जो मसल सेल्स हैं ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं और इतने ज़्यादा कर देते हैं कि जो वेंट्रिकल है वो बहुत फास्ट बीट करना स्टार्ट कर देते हैं रैपिडली हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है और ये जो नॉर्मल पाथवे आ रहा है ऐसे नोट से ए वी नोट से दैन बंडलो इसको ये ओवर लैप कर देते हैं मीन्स इसको ये इग्नोर कर देते हैं ये इन ये जो वेंट्रिकुलर मसल ओवर एक्साइटेड हुए हैं ये इन्होंने वेंट्रिकुलर जो हार्ट रेट है उसको बहुत फास्ट कर दिया है कि ये जो नॉर्मल हमारा रिदम नॉर्मल हार्ट रेट और नॉर्मल रिदम जो कि नॉर्मल कंडक्शन पाथवे है ऐसे नोड से जो आ रहा है वो दब गया है सप्रेस हो गया है और ये प्रोमिनेंट हो गया है जो वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ये प्रोमिनेंट हो गए हैं तो दिस इज द कंडीशन जो एट्रिया है उनको एसेनोड से ही मिल रहा है इसमें रिदम सो वो तो ऑब्वियसली वो ठीक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप ये बोल सकते हैं लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं वो रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज जो वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं वो सेल्फ एक्टिवेटेड हो गए हैं ओवर एक्साइटेड हो गए ओवर स्टिमुलेटेड हो गए हैं नेक्स्ट जो दूसरा रीजन हो सकता है वो हो सकता है एबनॉर्मल सर्किट विद इन द वेंट्रिकल मसल ये जो वेंट्रिकल के जो मसल्स हैं इसको क्लीन कर देते सो इन वेंट्रिकल के मसल में सर्किट बन गए हैं सर्किट आप समझते हैं जो राउंड होता है मतलब एक सर्कल मीन सर्किट तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है जब वो करंट एक ही जगह पर रिवॉल्व होता रहता है तो उसको बोलते हैं सर्किट सो इसी तरह से यहाँ भी ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है करंट ही तो है इलेक्ट्रिकल करंट ही तो है सो एबनॉर्मल सर्किट डिवेलप हो जाते हैं वेंट्रिकल के मसल में सो so, जब ये एबनॉर्मल सर्किट वेंट्रिकल में डेवलप होते हैं बनते हैं तो क्या होता है कि ये एक मोशन बना देते हैं एक ट्रिगर्ड हो जाते हैं ये सो so, इनके अराउंड ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मोशन में रिवॉल्व करती रहती हैं सो so, ये जो सर्किट बना है ये क्यों बना है क्योंकि इस पर्टिकुलर लोकेशन पर जो सेल्स हैं मसल सेल वो डेड हो गए हैं वहाँ स्कार बन गया है तो ये जो डेड सेल क्या करती हैं? कि ये जो नॉर्मल कंडक्शन पाथवे आ रहा है ऐसे नोड से एवी नोड देन बंडल ब्रांचेस देन परकिंजे फाइबर्स इसको ये ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं इसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हैं वो इसके अराउंड इन डेड सेल्स के अराउंड ही इस तरह से मूव करती रहती हैं एक सर्किट में अराउंड एंड अराउंड तो ये क्या है ये आगे पास नहीं होती जबकि उसी प्लेस पर रिवॉल्व करती रहती हैं जिसको बोलते हैं री एंट्री सो ये री एंट्री यहां पर हो सकती है मसल सेल के डैमेज होने की वजह से स्कार की फॉर्मेशन की वजह से सो so, ये दो रीज़न्स हो सकते हैं ये जो मसल सेल है इसमें हो री हो रही है इसमें सर्कस बन रहा है सर्कस रिदम सर्किट बन रहा है जिसकी वजह से भी क्या होता है कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं इनमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज स्प्रेड हो जाती हैं और ये जो वेंट्रिकल्स हैं ये एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं अब ओवरऑल क्या है ये दो केसेस बन सकते हैं ये दो केसेस किन वजह से बनते हैं अब मैंने आपको बता दिया अब इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे उससे पहले क्या है कि अगर ये वेंट्रिकल्स बहुत ज़्यादा रैपिडली और फास्ट बीट करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा कार्डिक आउटपुट होगा वो बहुत कम होगा वेरी लेस कार्डिक आउटपुट लेस होगा सो क्या कंडीशन डिवेलप होगी दैट इज़ हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन मीन्स ब्लड का प्रेशर वेसल्स में कम हो जाएगा राइट right. क्योंकि ब्लड जो है वो जा ही नहीं रहा वेंट्रिकल से ब्लड आगे जा ही नहीं रहा तो जो प्रेशर है वो वेसल्स में वो बहुत कम हो जाता है जिससे हाइपो टेंशन की कंडीशन डेवलप होती है और हमारी बॉडी को ब्लड नहीं मिल पाता ऑक्सीजन नहीं मिल पाती न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते नेक्स्ट इज कॉजेज़ ऑफ वेंट्रिकुलर टेक्कार्डिया नाउ वेंट्रिकुलर टेक्की कार्डिया के मैंने ऑलरेडी कॉजेज़ बताए कि कॉज़ क्या होंगे जिन वजह से जो मायोकार्डियल सेल्स हैं वेंट्रिकल्स के वो डैमेज हो जाएंगे उनमें स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी वो ओवर स्टिमुलेटेड हो जाएंगे ये क्यों होता है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज मेन कोज कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में अगर जो कॉर्नरी आर्टरी वेंट्रिकल के मसल को सप्लाई कर रही है और उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन है प्लेक फॉर्मेशन है तो क्या होगा वो उस मसल एरिया की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देगी तो वो जो मसल हैं पर्टिकुलरली उनमें स्कारिंग हो जाएगी वो डैमेज हो जाएंगे जिसकी वजह से वो ओवर स्टिमुलेटेड हो सकते हैं री एंट्री फॉर्मेशन हो सकती है वहाँ पे सर्कस रिदम फॉर्मेशन हो सकती है उसके बाद हार्ट अटैक हार्ट अटैक इज मायोकार्डियल इन्फॉक्शन ये भी सेकेंड कॉमन रीजन है हार्ट अटैक की वजह से या फिर कोई सर्जरी प्रीवियस सर्जरी उसकी वजह से भी कि जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो सकते हैं मसल सेल डैमेज हो सकते हैं उनमें स्कार फॉर्मेशन हो सकती है नेक्स्ट इज़ कार्डियोमायोपैथी कार्डियोमायोपैथी में भी जो हार्ट के सेल्स हैं वो स्ट्रेच हो सकते हैं डैमेज हो सकते हैं नेक्स्ट इज एबनॉर्मल हार्ट वॉल्स अगर हार्ट के जो वॉल्स हैं उनमें कोई एबनॉमेलिटी है उसकी वजह से भी मसल सेल्स डैमेज हो सकते हैं नेक्स्ट इज लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम ये क्या है या फिर ब्रूगाडा सिंड्रोम ये है कॉन्जेनेटल प्रॉब्लम्स कॉन्जनइटली ही एबनॉर्मैलिटी होती है मसल सेल्स में वेंट्रिकुल के मसल सेल में जिनकी वजह से लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम बनता है या फिर ब्रुगाडा सिंड्रोम बनता है नेक्स्ट सम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज कुछ इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेज स्पेशली कॉमनली जो वीटी कोर्स करती हैं वो हाइपोकैलीमिया पोटेशियम का लेवल लो होना उसके बाद हाइपोमेग्नीसीमिया ये सभी वीटी वेंट्रिकुलर टेक्कीाडिया को कोर्स करते हैं वेंटिकुलर जो मसल्स हैं उनको ओवर स्टिमुलेट करते हैं उसके अलावा कुछ माइनर डिसीज है जैसे ओवर एक्टिव थायरॉयड होना ये भी आ, टेकी कार्डिया कोस करता है उसके बाद हम चलते हैं इसके सिम्टम्स पर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे सो अगर वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा फास्ट बीट करेगा जैसे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया तो उसको रीफिल होने का टाइम नहीं मिलेगा रिलैक्स होकर जब उसमें ब्लड फिल होता है वो नहीं होगा तो उसे क्या होगा कार्डिक आउटपुट कम होगा हमारी बॉडी को जो ब्लड है वो कम मिलेगा बॉडी को कम ब्लड मिलेगा तो क्या होगा सबसे पहले हार्ट रेट बहुत फास्ट है टैकी कार्डिया है 100 टू 200 हंड्रेड इवन अप टू टू पर मिनट हो सकती है सो so फर्स्ट आएगा पालपिटेशंस पालपीटेशंस क्या होते हैं अगर हम सिंपल जो कॉमन लैंग्वेज है उसमें बोले तो ऐसे लगता है जैसे कि दिल इतनी बार धड़क रहा है कि दिल ऐसे लग रहा है कि बाहर ही आ जाएगा बॉडी से तो उसको सिंपली बोलते हैं पालपिटेशन मतलब कि फास्ट हार्ट बीट इतनी फास्ट हार्ट बीट ऐसे लगता है समटाइम्स ऐसे लगता है कि हार्ट बहुत फास्ट चल रहा है उसने कोई बीट स्किप कर दी है लाइक like फ्लटर जैसे फ्लटर होता है फ्लटर मतलब जैसे बर्ड के जो विंग्स हैं वो ऐसे फ्लटर करते हैं उसी टाइप से हार्ट भी हमारा पालपिटेशन्स करेगा इरेगुलर और फास्ट हार्ट बीट इस केस में वेंट्रिकुलर टेक्कीडिया के केस में जो रिदम होगी वो रेगुलर होगी लेकिन हार्ट बीट फास्ट होगी नेक्स्ट इज डिजीनेस लाइट हेडेडनेस फेंटिंग अब ये सभी क्या है डिजीनेस चक्कर जैसा फ़ील होना चक्कर आ भी जाना बेहोश भी हो जाना ये सब क्यों होता है हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी मोस्ट कॉमनली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जानी चाहिए तो वो नहीं जा पाएगी जिसकी वजह से हमें लाइट हेडेडनेस फील होगा प्लस हमारे जो बॉडी टिश्यूज़ हैं उनको भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रही तो वो वर्क नहीं कर पाएंगे उनको वीकनेस फील होगी फैटीक फील होगा थकावट फील होगी नेक्स्ट इज चेस्ट पेन चेस्ट पेन होगी हार्ट हमारा इतना ज़्यादा बीट कर रहा है लेकिन ब्लड आगे पुश नहीं हो रहा क्योंकि ब्लड वेंट्रिकल्स में फिल ही नहीं हो रहा तो कार्डियक आउटपुट लेस है जिसकी वजह से क्या होगा एक तो बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा ऊपर से कॉर्नरी आर्टरीज के थ्रू हार्ट को भी ब्लड नहीं जा रहा तो हार्ट का एक तो कार्डियक आउटपुट हो ना होना और इतना ज़्यादा वर्कलोड करना चेस्ट पेन कोस करता है नेक्स्ट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑफ कोर्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी आएगी डिस्निया होगा गैस्पिंग होगी क्योंकि बॉडी को ब्लड नहीं जा रहा मीन्स ऑक्सीजन नहीं जा रही लंग्स को ऑक्सीजन नहीं जा रही ब्लड नहीं जा रहा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम आएगी उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस पढ़ लेते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर वेंट्रिकुलर टेकी काडिया सस्टेन रहता है तो वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या होता है यही टेकिक और सीवियर हो जाता है और फिब्रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है जिसमें रिदम भी रेगुलर हो जाती है विच इज़ अ वेरी सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो कि फर्दर डिवेलप हो जाती है किसमें कार्डियक अरेस्ट में मीन्स कार्डियक डेथ में हमारा हार्ट फंक्शन करना बंद कर देता है फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर देता है दैट इज़ कार्डियक अरेस्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगेन नेक्स्ट इज डायग्नोसिस अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे सो so, कुछ अंडरलाइन डिसीज कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए भी टेस्ट हो सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट को डिटेक्ट uh, करने के लिए टेस्ट हो सकते हैं उसके बाद कॉन्टिनेटल uh, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसके लिए हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे हार्ट को ऑक्स aus ऑस्कल्टेट करेंगे हार्ट रेट ऑब्वियसली इंक्रीज मिलेगा उसके बाद जो हम स्पेसिफिक टेस्ट जो ई परफॉर्म करेंगे उसमें हमें पता लग जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है तो इसमें जो याद रखने वाली बात है वो क्या है जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वाइड होगा वाइड मीन्स ब्रॉड चौड़ा क्यू आर एस क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या है ये हमारी पी वेव है जो कि एट्रियल डिपोलराइजेशन को दिखाती है देन ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ये हमारा वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है मीन्स वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन को शो करता है और टी वेव तो ये हमारी नॉर्मल सी चीज़ है नॉर्मल ईसीजी लेकिन वेंट्रिकुलर टेकिक में क्या होगा कि ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये ऐसा दिखेगा इतना ब्रॉड सो दिस इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और इसमें जो पी वेव है वो डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि जो वेंट्रिकल्स हैं वो इतनी फास्ट बीट कर रहे हैं कि पी वेव डिटेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है अगर पी वेव दिख भी रही है तो बहुत कम सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वाइड और ब्रॉड दिखेगा बहुत ही वियर्ड सा ब्रॉड क्यू आर एस कम्प्लेक्स हो ये इसकी मेन डायग्नोसिस है ई सी जी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में ऐसा विजिबल होगा हमारे हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस हैं उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म हो सकते हैं बहुत सारे स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है हॉल्टरमोनीटर डिवाइस अटैच कर सकते हैं पेशेंट के साथ हॉल्ट्रोनीटर क्या करता है जैसे ई सी जी तो हम वन टाइम ही ले सकते हैं हॉस्पिटल में हॉल्ट्रमोनीटर पेशेंट के साथ ही अटैच रहता है चेस्ट में और चेस्ट के ऊपर और हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो 72 टू आवर्स तक वो शो कर देता है नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट अब ट्रीटमेंट क्या होगा ट्रीटमेंट इसमें दो हैं केसेस जो मैंने पहले बताए थे एक है विद पल्स और एक है विदाउट पल्स तो अगर तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में विदाउट पल्स की कंडीशन है मीन्स पल्स फील नहीं हो रही पेशेंट की तो विदाउट पल्स का तो एक ही ट्रीटमेंट uh, है दैट इज एमरजेंसी ट्रीटमेंट और वो क्या है डिफिब्रिलेशन uh, तो हम पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेंगे दैट इज थ्रू डिफिब्रिलेटर बोलते हैं उसको सो so डिफिब्रिलेटर क्या करेगा ये हमारे हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेगा उस इलेक्ट्रिक शॉक से क्या होगा कि हार्ट एक मोमेंट के लिए बंद हो जाएगा काम करना बंद कर देगा और देन दोबारा से रिएक्टिवेट होगा जब वो रीएक्टिवेट होती है उसकी रिदम तो ये क्यों किया जाता है ताकि जो हार्ट के साइनस रिदम है ताकि जो ऐसे नोड है उससे जो रिदम बन रही है हार्ट रेट बन रहा है वो दोबारा से वापस आ सके इसलिए हम हार्ट को एक मोमेंट के लिए डिफिब्रिलेटर के थ्रू शॉक देते हैं ताकि वो रीस्टार्ट हो सके ये इसी तरह से है जैसे हम अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करते हैं या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो उसी तरह से डिफिब्रिलेशन इसलिए दिया जाता है पल्सलेस के केस में ताकि हार्ट को दोबारा से वापस उसकी रिदम को नॉर्मल लाया जा सके

मतलब है कि पेशेंट स्टेबल है उसके सिम्टम्स नॉर्मल हैं, उसको हाइपोटेंशन नहीं है उसको शॉक की कंडीशन नहीं है ब्रेन में ब्लड सप्लाई जा रही है तो वो स्टेबल है मतलब उसके सिम्टम्स इतने वर्स नहीं है प्लस आदमी उसका जो वीटी है वेंटिकुलर टैकिकार्डिया, वो सस्टेन्ड नहीं है सस्टेंड मतलब कि ज्यादा थर्टी सेकेंड से, से ज्यादा का नहीं है थोड़ी देर के उसको वेंटिकुलर वेटी आता है और फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं उसके सिम्टम्स तो हम उस केस में क्या करेंगे कैरोटिड मसाज दे सकते हैं कैरोटेड आर्टरी को मसाज देते हैं अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ये हम घर पर परफॉर्म बिल्कुल नहीं करेंगे ये डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं कैरोटेड मसाज बेड साइड ये प्रोसीजर होता है कैरोटिड मसाज इज वेगल मैन्यूओवर है ये इससे क्या होता है कि जब हम मसाज करते हैं स्टिमुलेट करते हैं कैरोटेड आर्टरी को तो ब्रेन को सिग्नल जाता है जिससे कि वो हार्ट रेट को रिड्यूस करता है नेक्स्ट इज एंटीरिदमिक्स इसमें हम एंटीरिदमिक्स देते हैं जो भी ये को कंट्रोल करने के लिए मेडिकेशन होती है जैसे कि हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जो कि रिदम को दोबारा से कंट्रोल करते हैं उसके बाद अनस्टेबल का मतलब है अनस्टेबल जो पेशेंट है वीटी वाले उनमें क्या होगा हाइपोटेंशन की कंडीशन होगी शॉक की सिम्टम्स दिखाई देंगे मे बी मेंटल कन्फ्यूजन उनमें दिखाई देगी फेंटिंग दिखाई देगी तो वो अनस्टेबल हैं और उनका जो वी है वो थर्टी सेकेंड से, से ज़्यादा का है इसमें हम सिंक्रोनाइज कार्डियो वर्जन देते हैं सो कार्डियो वर्जन या फिर इलेक्ट्रिक कार्डियो वर्जन क्या होता है कार्डियो वर्जन में भी हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं पेशेंट को हार्ट पे लेकिन वो डिफिब्रिलेटर से डिफरेंट होता है डिफिब्रिलेटर में हम शॉक थोड़े ज्यादा अमाउंट का देते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो इलेक्ट्रिक करंट होता है नॉर्मल लैंग्वेज में वो ज्यादा शॉक ज्यादा जूल्स का होता है वेयर एज जो कार्डियो वर्जन है उसमें हम लाइट शॉक देते हैं ये भी हमें मे बी टू टू थ्री टाइम्स रिपीट करना पड़ सकता है सेम इसका भी मेथड वही है कि हार्ट को एक मोमेंट के लिए स्टॉप करना और उसकी रिदम को दोबारा से रीस्टार्ट करना ताकि जो ऐसे रिदम है वो रीस्टार्ट हो सके तो इसमें क्या होता है कि हम शॉक जब देते हैं तो हार्ट एक मोमेंट के लिए बंद हो जाता है और दोबारा से रीस्टार्ट होता है दोबारा से उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रीस्टार्ट होती है और वो कई पेशेंट्स में जस्ट वन शॉक देने के बाद ही साइनस रिदम स्टार्ट हो जाती है दोबारा से जो नॉर्मल एक्टिविटी थी नॉर्मल रिदम थी वो स्टार्ट हो जाती है इसमें अनस्टेबल में भी हो सकता है कि कार्डियोवर्जन देने के बाद भी पेशेंट को एंटी की नीड पड़ सकती है नेक्स्ट वेंट्रिकुलर एरि इज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन या फिर जिसको वी फिब भी कहते हैं सो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बहुत सीरियस कंडीशन होती है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है इसको अगर विद इन फ्यू सेकेंड्स ट्रीट नहीं किया जाता एमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो पर्सन की डेथ हो जाती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो इसमें क्या होता है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है इसमें सेम जो वेंट्रिकुलर टक्की कार्डिया में होता है वैसे ही होता है लेकिन इसमें जो इम्पल्सिस हैं वो इेगुलर होती हैं और बहुत ज़्यादा फास्ट होती है टक्की से भी रैपिड हार्ट रेट इसमें होता है सो so, रैपिड और इरेगुलर बीटिंग रैपिड तो होगा ही साथ में इरेगुलर होगा कोई भी पैटर्न नहीं होगा रिदम रेगुलर नहीं होगी लेकिन उसमें एक पैटर्न होता है चाहे वो हार्ट रेट इंक्रीज है लेकिन एक पैटर्न होता है इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है रेगुलर बीटिंग ऑफ वेंट्रिकल्स ड्यू टू सर्कस मूवमेंट ऑफ इम्पल्स विद इन द वेंट्रिकुलर मसल ये जो वेंट्रिकल के मसल हैं इसमें मसल सेल्स एक्साइटेड हो जाते हैं इरिटेटेड हो जाते हैं सेम कॉजेज रहेंगे जो वेंट्रिकुलर टेकी कार्डिया में मैंने एक्सप्लेन किया इसमें भी सर्कस मूवमेंट्स बहुत सारी सर्कस मूवमेंट हो सकती हैं वेंट्रिकल्स में जिसके कारण क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो क्विवर करते हैं क्विवर मतलब सिर्फ वो ऐसे हल्का साइब वाइब्रेशन या फिर क्विवरिंग होती है उनमें ना तो वो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना वो अच्छे से रिलैक्स हो रहे हैं उनकी जो बीटिंग है वो इनइेक्टिव है यूजलेस है सो so, वेंट्रिकल्स यहाँ पर जस्ट क्विवर होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हार्ट रेट है वो 400 हंड्रेड टू फाइव पर मिनट चला जाता है 300 पर मिनट से तो ऊपर जाएगा ही 400 हंड्रेड टू फाइव तक जा सकता है सो अब आप सोच लीजिए एक मिनट में 400 हंड्रेड टू फाइव पर मिनट अगर वेंट्रिकल्स बीट कर रहे हैं हार्ट रेट इतना है तो इसका मतलब क्या है कि वो ना तो रिलैक्स हो रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो जस्ट ऐसे क्वेवर कर रहे हैं शिवरिंग टाइप सो ये जो वेंट्रिकल्स है इसमें क्वेवरिंग होगी इफेक्टिव पंपिंग नहीं है इन इफेक्टिव कोवरिंग ऑफ वेंट्रिकल्स नॉट एक्चुअल पंपिंग नहीं है वेंट्रिकल्स में नो एक्चुअल बीटिंग क्योंकि हार्ट बीट नहीं है ये हार्ट बीट क्या है कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना लेकिन ये क्या इतना ज़्यादा रैपिड हार्ट रेट है कि ना तो ये अच्छे से बीट हो रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना रिलैक्स हो रहे हैं नो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे रिलैक्स भी नहीं हो रहे इट मीन्स ब्लड आगे जा ही नहीं रहा जो भी थोड़ा बहुत ब्लड अगर वेंट्रिकल्स में है तो वो आगे जा ही नहीं रहा ना तो आयोटा में जा रहा है और ना ही पलमरी आर्टरी में जा रहा है सो नो ब्लड बींग पंप्ड अगर ब्लड आगे नहीं जा रहा इट मीनस पल्स नहीं है नो no पल्स बिकॉज अगर ब्लड ही नहीं वैसल में जा रहा तो एक तो ब्लड का प्रेशर कुछ भी नहीं है वैसल में तो हाइपोटेंशन की कंडीशन अराइज होगी दूसरा अगर ब्लड आगे पंप ही नहीं हो रहा ये जो रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन ये हो ही नहीं रही तो पल्स ही नहीं है तो ये पल्स इसमें फील नहीं होती इसमें पल्स प्रजेंट नहीं होती किसमें वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में इसलिए यह क्या है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाता सो पर्सन कैन डाई विद इन सेकेंड्स और काडे का रेस्ट हो सकता है पर्सन को उसके बाद इसके कोजेस क्या होंगे कोजेज भी सिमिलर ही होंगे बट थोड़े से ओवर एक्साइटेड जो मसल्स हैं वो ओवर स्टिमुलेटेड और ओवर इरीटेटेड हैं उससे ज़्यादा सीरियस कंडीशन है ये सर्कस रिदम्स काफ़ी सारे पार्ट्स में वेंट्रिकल के मसल्स में हो रही है तो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज ऑब्वियसली इसकीमिया फर्स्ट जो मसल को ऑक्सीजन नहीं मिली तो हार्ट अटैक के कारण ऑक्सीजन नहीं मिली मसल डैमेज हो गए स्कार फॉर्मेशन हो गई इलेक्ट्रिक शॉक अगर पर्सन को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है बाहर से किसी वजह से जो कि कंट्रोल्ड मैनर में नहीं है इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो जो हार्ट की नॉर्मल रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाती है नेक्स्ट इज इस्कीमिया और क्लोरोफॉर्म और साइक्लोप्रोपेन एनस्थीजिया सो एनस्थीजिया क्लोरोफॉर्म या फिर साइक्लोप्रोपेन अगर टॉक्सिसिटी एनस्थीजिया है उस केस में भी वी फिब हो सकता है कार्डियक सर्जरी अगर कोई कार्डियक सर्जरी अच्छे से परफॉर्म नहीं की गई और मसल में डैमेज हुआ है ट्रोमा हुआ है तो हो सकता है इवन ट्रामा टू चेस्ट या फिर ट्रोमा टू हार्ट कैन कोज वी फिब्रिलेशन सो ये कॉजेज हैं कॉजेज एग्जैक्टली सेम रहेंगे कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस भी हो सकता है हाइपोकलीमिया हाइपोमैग्नीसीमिया सो so ये भी हो सकता है थायरॉयड ओवर एक्टिव थारॉयड बट जो मेन कॉजे हैं वो ये रहेंगे नेक्स्ट इज ई अब स्पेसिफिक टेस्ट से पहले ई सी जी इमिजिएटली परफॉर्म करेंगे इसमें ई सी जी में जो आ, वेव है क्योंकि ये जो वेंट्रिकल्स है ये ना तो इफेक्टिव इनमें कॉन्ट्रेक्शन है ना इफेक्टिव रिलैक्सेशन है तो वेव तो कुछ अपीयर होगी ही नहीं जो वेव होगी वो कैसी अपीयर होगी Randomly. डिसऑर्गेनाइज मैनर में सो so, कोई भी शेप कोई साइज कुछ भी नहीं होगा एक इरेगुलर पैटर्न होगा डिसऑर्गेनाइज पैटर्न होगा कोई पैटर्न नहीं है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कोई फिक्स शेप नहीं है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की दिख ही नहीं रहा कि वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है पी वेव डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है तो इसमें क्या है कि जो ई सी जी वेव्स हैं वो बहुत ही इरेगुलर होंगी कोई उनका डिसऑर्गेनाइज होंगी वो कोई पैटर्न नहीं होगा क्योंकि हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं ये एक्चुअल बीटिंग शो नहीं कर रहे तो ये क्या है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है अब आ, जो इसका ट्रीटमेंट आएगा वो क्या होगा अब ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है पल्स इसमें नहीं है तो सबसे पहले हमने सी परफॉर्म करना है कार्डियो पल्नरी रिसक्सीटेशन हंड्रेड टू वन चेस्ट कंप्रेशन जो कि इफेक्टिव होने चाहिए और सी परफॉर्म करते ही हमने डिफिब्रिलेशन करना है सो so डिफिब्रिलेशन या फिर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें डिफिब्रिलेशन या फिर डिफिब्रिलेटर क्या करेगा कि हार्ट को इलेक्ट्रिक शॉक प्रोवाइड करेगा और इस शॉक से क्या होगा पेशेंट का जो हार्ट है वो एक मोमेंट के लिए रुक जाएगा और हार्ट की जो नॉर्मल रिदम है वो ऑरिजिनेट हो जाएगी दोबारा से हार्ट अपनी जो फंक्शनिंग है उसको रीस्टार्ट कर देगा तो डिफिब्रिलेटर हमें देना है और इसमें वी फिब्री इसलिए भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है बिकॉज समटाइम्स जो पेशेंट को सेव करना मुश्किल हो जाता है तो इसमें डिफिबिलेशन देंगे सी देंगे अभी लास्ट में मैं आपको एक स्पेसिफिक चार्ट बनाकर दूंगी कि कैसे सी देनी है कैसे डिफिबिलेटर देना है और क्या इमरजेंसी ड्रग्स हैं इन कंडीशन में नेक्स्ट इज एंटीरिदमिक्स एंटीरिदमिक में इसमें बीटा ब्लॉकर चॉइस ऑफ ड्रग है नेक्स्ट इज इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफिब्रिलेटर अब इम्प्लांटेबल कार्डियो वर्टर डिफिब्रिलेटर क्या होता है इसमें हम जो डिफिब्रिलेटर है ये चेस्ट में ही इम्प्लांट कर देते हैं पेशेंट की और ये डिफिब्रिलेटर क्या करता है जैसे ही वो रिदम में कुछ चेंजेस देखता है तो वो शॉक डिलीवर करता है तो और साइनस रिदम दोबारा से रीस्टार्ट हो जाती है तो दिस इज इम्प्लांटेबल कार्डियोटर वर्टर डिफिब्रिलेटर माइनर शॉक ये देता है हार्ट को नेक्स्ट इज कैथेटर एबलेषन कैथेटर एबलेन एक सर्जिकल इन्वेसिव प्रोसीजर है इसमें कैथेटर के थ्रू हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं अपने ग्रोइंग में जो वेन्स होती हैं उसके थ्रू और ये कैथेटर जो है हार्ट में पहुँचाते हैं सो so, जहाँ भी uh, जो स्कार टिश्यू डिवेलप होगा या फिर कोई अब जंक्शन बन रहा होगा या फिर अब सर्किट बन रहा होगा इलेक्ट्रिकल इम्पलसेस का तो ये कैथेटर एबलेन का मतलब क्या होता है ये कैथेटर के, के आगे हीट जनरेट होती है रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं यहाँ पर यहाँ पर रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स एमिट की जाती हैं तो या तो कोल्ड भी हो सकती है जिसको क्रायोथेरेपी करते कहते हैं या फिर हीट भी हो सकती है सो so, ये क्या करती है हीट या फिर कोल्ड uh, ये जो एबनॉर्मल सर्किट है इसको बर्न कर देते हैं सो so, क्या होता है जब ये बर्न हो जाता है तो ये फंक्शन नहीं करता और जो नॉर्मल रिदम है साइनस रिदम वो दोबारा से ऑरिशनेट हो जाती है दोबारा से वो साइनस रिदम रिस्टार्ट हो जाती है नेक्स्ट वेंट्रिकुलर अरिदमिया इज प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन और पी वी सी सो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन का मतलब है प्री मेच्योर मतलब पहले ही अर्लियर तो एक नॉर्मल रिदम तो चलेगी ही जो साइनस रिदम है लाइक सपोज इफ आई एम ड्रॉइंग अ रफ डायग्राम तो ये तो साइनस रिदम है तो ये तो नॉर्मल है इसमें साइनस रिदम से देन ए वी नोड देन बंडल ब्रांचेस देन परकिजे फाइबर्स ये तो नॉर्मल चल ही रहा है इसके बाद एक और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होगी सो वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन क्या है रेगुलर बीट के बाद होती है तभी इसको बोलते हैं प्री मेच्योर मतलब जो रेगुलर बीट है उसके जस्ट बाद होती है नेक्स्ट बीट से स्टार्ट होने से पहले तो इसलिए इसको बोलते हैं प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन इसमें भी सेम ही चीज़ है हो सकता है कि जो मसल के सेल्स हैं वो इरीटेट हो गए हैं ओवर एक्साइटेड हो गए हैं ओवर इरिटेटेड हो गए हैं ओवर फायर कर रहे हैं या फिर जो सर्कस रिदम्स हैं वो हो सकती हैं सो so, दोनों केसेस हो सकते हैं प्रीवियस जैसे ही इसमें क्या होता है एक्स्ट्रा हार्ट बीट दैट बिगेन्स इन वेंट्रिकल इसको वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल भी बोलते हैं मीन्स जो वेंट्रिकल है वो एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एक्स्ट्रा सिस्टोल हो रहा है सिम्टम्स क्या होंगे सिम्टम्स uh, वो भी आ सकते हैं जो पहले वाले हैं प्लस उसके साथ जो मेन इसमें दिखाई देंगे वो होंगे फ्लटरिंग फ्लटरिंग मीन्स ऐसा आपको लगेगा मिस्ड हो गई है बीट या फिर कोई बीट स्किप हो गई है क्योंकि जो नॉर्मल रिदम है वो तो चलेगी साइनस रिदम से देन जो एट्रिया में स्प्रेड हो रही है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देन ए वी नोड से बंडल ब्रांचेस पर किंजे फाइबर्स वेंट्रिकल में ये यहाँ तक क्या है नॉर्मल रिदम है तो नॉर्मल रिदम के बाद क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा बीट होती है एक्स्ट्रा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ऐसा एक छोटा सा पोज आता है बीच में तो ऐसा लगता है कि जो मिस हो गई है बीट स्किप हो गई है नेक्स्ट इज इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ हार्ट बीट आप आ, अगर एक्स्ट्रा बीट होगी वेंट्रिकल्स में जो हार्ट बीट है आपकी उसके लिए अवेयरनेस इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि आपको पाल्पिटेशन होंगी इसमें नेक्स्ट इज कोजेस कोजेस क्या होंगे सिमिलर ही होंगे वैसे कि जो मसल है उसमें स्कीमिया हो गया है ऑक्सीजन की कमी से डैमेज होने की वजह से स्कार फॉर्मेशन हो गई है कोई तो सेम ही हो गई कॉर्नर हार्टरी डिसीज हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है पी आर सी सर एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन इन वेंट्रिकल आफ्टर रेगुलर हार्ट बीट रेगुलर हार्ट बीट के बाद एक्स्ट्रा क्यों होती है मेन है सी एन एस टिमुलेंट्स इसके अलावा जो प्रीवियस हमने कोजेस पढ़े हैं वो तो है ही उसके अलावा सी एन एस स्टिमुलेंट्स सी एन एस टिमुलेंट्स क्या होते हैं जैसे कि आ, कैफीन हो गया कोकीन हो गया आ, निकोटीन हो गए सो ये एम्फीटामीन्स हो गए ड्रग्स होंगे ये क्या है सी एन एस टिमुलेंट्स हैं इनसे क्या होता है आ, कि जो एड्रीन है हारमोन वो भी ज़्यादा सिक्रीट होता है तो हा, जो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती है तो सी एन एस टिमुलेंट्स की वजह से हो सकता है एनजाइटी अगर हो रही है ज़्यादा या फिर किसी स्ट्रेस हॉर्मोन्स या फिर किसी ड्रग्स के कारण एंजाइटी हो सकती है स्कीमिया अगेन हार्ट मसल्स में कैन ट्रिगर प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन उसके अलावा जो प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है ये वी फिब्रिलेशन को भी ट्रिगर कर सकता है सो so, ये कंडीशन आगे जाकर वी फिब्रिलेशन में भी कन्वर्ट हो सकती है ना उसके बाद आता है डायग्नोज अब हम इसका डायग्नोज कैसे करेंगे सो so, स्पेसिफिक हम ई में देखेंगे क्या फाइंडिंग्स आएंगी रिदम क्या होगी इसमें इरेगुलर होगी रेट नॉर्मल होगा रेट वही है जो साइनस रेट है सो so इसमें रिदम इरेगुलर है रेट डिपेंड करेगा साइनस साइनस नोड नोड के ऊपर जो sinus node तो अपना नॉर्मल कर रहा है वो पाथवे तो चल रहा है तो रेट साइनस नोड पर डिपेंड करेगा इरेगुलर रिदम होगी अब ईसीजी इस इसकी कैसे शो होगी यहां से यहां तक ये नॉर्मल वेव है पी क्यू आर एस टी सो ये नॉर्मल चलेगी कंडक्शन एक बार नॉर्मल चलेगा उसके बाद एक ये एक्स्ट्रा कॉन्ट्रेक्शन है एक्स्ट्रा सिस्टोल और किसकी वेंट्रिकल की तो ये जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है ये एक्स्ट्रा बनेगा लेकिन ये क्या होगा ब्रॉड होगा शेप इरेगुलर सी होगी ब्रॉड होगा तो ये एक्स्ट्रा सिस्टोल, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल है या फिर प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन है उसके बाद जो रेगुलर हमारी वेव है वो चलेगी सो रेगुलर वेव के पहले या फिर रेगुलर वेव के बाद एक और वेंट्रिकुलर सिस्टोल होगा जो इस तरह से दिखेगा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है अंडरलाइन कोर्स पर जैसे कि अगर सी एन एस स्टिमुलेंट्स की वजह से है तो उसको लिमिट करेंगे या बंद करेंगे एनजाइटी है तो उसका कोज ढूंढेंगे इसकीमिया क्यों हुआ है हार्ट मसल में वो देखेंगे अगर कोई ड्रग्स ले रहे हैं फिटामिनस ले रहे हैं तो उनको बंद करेंगे या फिर उनके डोज को कम करेंगे उसके अलावा अगर कोई टॉक्सिसिटी हो रही है उसको देखेंगे थायरॉयड ओवर एक्टिव है वो हम डायग्नोज करेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है तो वो देखेंगे सो so, वो सारी कंडीशन हम देख सकते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं उसके बाद एंटी एरिदमिक्स देते हैं एंटी रिदमिक रिदम को रेगुलर करेंगे इसमें जो चॉइस ऑफ ड्रग है वो है लिडोकेन इसमें दी जाती है अपार्ट फ्रॉम दिस लाइफ स्टाइल चेंजेस कर सकते हैं अगर कोई पर्सन निकोटीन पर डिपेंड है स्मोकिंग है या अल्कोहल कर रहा है तो उसको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा वेट को मॉनिटर करना होगा उसके अलावा जो भी अंडरलाइन कंडीशन है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना होगा नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर एस्टॉल सो वेंट्रिकुलर ए सिस्टॉल का मतलब है सिस्टॉल मीन्स कॉन्ट्रेक्शन एंड ए मीन्स नो विदाउट कॉन्ट्रेक्शन सो या फिर आप बोल सकते हैं एबसेंट कॉन्ट्रेक्शन सो वेंट्रिकुलर इस स्टॉल का मतलब है कि वेंट्रिकुल्स कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होते इसमें बिल्कुल भी सो so, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहे बिल्कुल सो इट मीन्स ब्लड हार्ट से बाहर बॉडी में पंप हो ही नहीं रहा सो so, इसमें हार्ट पंप करना बंद कर देता है कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देता है इसमें वेंट्रिकल्स सो so, इस ये बहुत ही लाइफ थ्रेडनिंग कंडीशन है इसको कॉमनली फ्लैट लाइन भी बोलते हैं सो so, जो इसी में फ्लैट लाइन दिखती है मूवीज़ में हम देखते हैं फ्लैट लाइन आ जाती है सो so वो क्या है वेंट्रिकुलर एसिस्टॉल जिसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर देते हैं सो so, इसमें क्या होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एपसेंट होता है सम पी वेव्स कैन बी अपियर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब थोड़े टाइम के लिए लीड सेकेंड और थर्ड में पी वेव दिखेगी बस थोड़े ड्यूरेशन के लिए उसके बाद बिल्कुल फ्लैट लाइन हार्ट बीट नहीं होगी इसमें नो पालपेबल पल्स पल्स नहीं है रेस्पिरेशन नहीं है बिकॉज ब्लड ही पम्प नहीं हो रहा नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इसमें बंद हो जाती है बिल्कुल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में प्रेजेंट ही नहीं है सो so, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रेजेंट नहीं है हार्ट में मीन्स कि इसमें हम डिफिब्रिलेशन भी नहीं देते इसमें हम शॉक नहीं दे सकते इसलिए ये क्या है नॉन शॉकेबल रिदम है क्योंकि शॉक हम उस केस में देते हैं जब हमने रिदम को नॉर्मल करना होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रेगुलेट uh, करना होता है इरेगुलर रिदम को रेगुलर करना होता है लेकिन इसमें रिदम ही नहीं है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ही नहीं है सो so, ये ऐसा ही है जैसे हम अगर कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए पावर की ज़रूरत है लेकिन इस केस में पावर ही नहीं है तो हम कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं कर सकते नो कार्डियक आउटपुट पल्स नहीं है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे कार्डियक आउटपुट खत्म बिल्कुल भी नहीं है सो so, ये है हमारी ई सो ई ये आएगी कुछ पी वेव्स दिखी एक आधा क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और फिर फ्लैट लाइन बिल्कुल फ्लैट लाइन तो ये क्या है नॉन शॉकेबल रिदम है वेरी डेंजरस कंडीशन है ये और आप कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर एसिस्टॉल इज अ फॉर्म ऑफ अरेस्ट ये कार्डियक अरेस्ट का फॉर्म है कॉजेज़ क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से वेंट्रिकल स्टॉप बीटिंग करना या फिर कॉन्ट्रेक्शन करना स्टॉप कर गए हैं सो हाइपोवोलीमिया अगर ब्लड वॉल्यूम बिल्कुल कम हो गया ब्लड में मे बी एक्स एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण हो सकता है ये हाइपोक्सिया ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में प्रॉब्लम ऑक्सीजन की कमी हो रही है हाइपोक्सिया मसल्स में हाइपोक्सिया हो रहा है एसिडोसिस एसिडोसिस की कंडीशन हो गई है लो पीएच हो गया है बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस सीवियर इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है हाइपोकलीमिया है हाइपोमेगनीमिया है या फिर हाइपोग्लाइसीमिया है ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल डाउन है हाइपोथर्मिया बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो गया है कार्डियक टेम्पोनेड कार्डियक टेम्पोनेड इज हार्ट के अराउंड जो लेयर है उसमें so, ब्लड फील तो हो गया है सो कार्डिक टेम्पोनेट से क्या होगा कि हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव प्रेशर बनेगा और हार्ट फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा नेक्स्ट इज सी ए डी कॉर्नरी आर्टरी डिसीज जिसकी वजह से अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो मसल वर्क करना बंद कर गए हैं मसल में हाइपोक्सिया हो गया है इवन हार्ट अटैक कैन कोस वेंटिकुलर एसिसटोल देन ड्रगर ओवरडोज कुछ ड्रग्स की ओवरडोज के कारण मतलब कि ये सुसाइड अटैम्प भी हो सकता है एक्सीडेंटली भी हो सकता है सो ड्रग ओवरडोज के कारण भी जो वेंट्रिकल है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दिया है टॉक्सिन्स हो गए हैं बॉडी में सो so इसका जो ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ़ कोर्स सिम्टम्स इसके क्या होंगे पर्सन अनकॉन्शियस होगा उसको पल्स नहीं है रेस्पिरेशन नहीं है तो इसका जो ट्रीटमेंट है अभी एक चार्ट के थ्रू हम डिस्कस करते हैं सो अभी जितनी भी कंडीशन हमने पढ़ी हैं चाहे वो वेंटिकुलर टेकीकार्डिया है वेंटिकुलर फिब्रिलेशन है या फिर ए सस्टॉल है वेंटिकुलर एस्टॉल ये सभी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है फेटल कंडीशनस हैं इनमें पर्सन की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा रिस्क पर होती है अगर विद इन कुछ सेकेंड्स ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता पर्सन को तो उसकी डेथ हो जाती है सो so, इसलिए इसका एक रफली मैंने फ्लो चार्ट बनाया है ताकि आपको हेल्प मिल जाए कि कैसे हमने इन पेशेंट्स को इमीडिएट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है सो so, सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स को चेक करना है जैसे ही हमें कोई पेशेंट लगता है जो कि अनकॉन्शियस हो गया है तो हमने उसके शोल्डर पर टैप करना है या फिर उसे पूछ सकते हैं दैट हाउ आर यू और उसका रिस्पॉन्स चेक करना है अगर वो रिस्पॉन्सिव है तो हमने कॉल कर देना है इमरजेंसी को और Uh, उसको जस्ट मॉनिटर करना है लेकिन अगर वो रिस्पॉन्सिव नहीं है उसके बाद हमने साइंस चेक करनी है साइंस ऑफ सर्कुलेशन चेक करना है उसके लिए हम पल्स चेक करेंगे पल्स हम कैरोटेड पल्स को चेक करेंगे कि सर्कुलेशन है या नहीं अगर पल्स प्रेजेंट नहीं है इट मीन सर्कुलेशन नहीं है उसके बाद हमने ब्रीदिंग चेक करनी है ब्रीदिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे लुक लिसन फील तो हम देखेंगे पहले लुक में क्या है कि चेस्ट राइज हो रही है या नहीं फॉल हो रही है इट मीन्स ब्रीदिंग प्रेजेंट है और हम फील कर सकते हैं अपने ईयर को पर्सन की नोज के पास लेकर जाएंगे और हम ब्रीदिंग uh, को फील भी कर सकते हैं सो so, हमने यहाँ पर uh, अगर ब्रीदिंग प्रेजेंट नहीं है और अगर पल्स प्रेजेंट है इट मीन्स सर्कुलेशन है लेकिन ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है तो हमने फाइव रेस्क्यू ब्रीथ्स देनी है अगर ब्रीदिंग uh, प्रेजेंट uh, नहीं है या फिर सर्कुलेशन दोनों प्रेजेंट नहीं है पर्स भी प्रेजेंट नहीं है तो हमने क्या करना है एमरजेंसी uh, में कॉल करनी है और एमरजेंसी पर्सन को हमने बोल देना है uh, कि पर्सन की ना तो ब्रीथिंग है ना ही रेस्पिरेशन है ताकि वो जो अपने पूरे इक्विपमेंट्स है वो साथ में लेकर आए और लोकेशन भी बता देनी है सेकेंड थिंग हमने जो परफॉर्म करना है वो करना है सी ए बी दैट इज़ फर्स्ट सर्कुलेशन मेंटेन करनी है सर्कुलेशन के साथ ही हमने एयरवे देखना है पर्सन का एयरवे के लिए हम एयर वे कैसे चेक करते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है एयरवे में उसमें हम पर्सन को टू मैन्यूओवर्स यूज़ करते हैं एक तो जॉ जॉथ्रस्ट मेन्यूओवर यूज़ कर सकते हैं हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेन्यूओवर ये ज़्यादा यूज़ होता है ये हम कर सकते हैं उसके बाद हमने ब्रीदिंग मेंटेन करनी है ब्रीदिंग के लिए हम टू रेस्क्यू ब्रीथ्स देते हैं विद इन द सी पी आर सो so सी हमने कैसे परफॉर्म करना है कार्डियोपलरी रिसक्सीटेशन इसमें हम चेस्ट कंप्रेशन देते हैं और रेस्क्यू ब्रीद देते हैं चेस्ट कंप्रेशन हमने थर्टी रेशो टू रखना है सो थर्टी चेस्ट कंप्रेशन और टू रेस्क्यू ब्रीद सो चेस्ट कंप्रेशन भी इफेक्टिव होने चाहिए इसमें हमने पुश हार्ड एंड फास्ट का मैकेनिज्म यूज़ करना है वन uh, मिनट में 100 टू 120 ट्वेंटी चेस्ट कंप्रेशन होने चाहिए नाउ अगर मैं चेस्ट कंप्रेशन की बात करूँ तो ये एक सेपरेट टॉपिक बन जाता है बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट का बट बेसिकली हमने यहाँ पर क्या पढ़ना है कि ये जो रिद्मियाज़ हैं इनका इमीजिएट ट्रीटमेंट क्या है uh, तो इनका मैं सेपरेट एक पी डी uh, जो है सेंड कर दूँगी अपने टेलीग्राम अकाउंट पर भी इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट का आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं अब हमने एमरजेंसी को कॉल कर दिया तो जैसे ही हमारे पास एमरजेंसी टीम आती है तो हमने रिदम चेक करना है हमने रिदम को कैसे चेक करना है जब हमारे पास ए ई डी होगा दैट इज़ ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर तो हमने रिदम को चेक कर लेना है अब जो भी रिदम मैंने इसी जी की रिदम्स बताई थी वेंट्रिकुलर uh, टेकिकाडिया की बताई थी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बताई थी टेकिकाराडिया में जो वाइट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में कोई पैटर्न नहीं होता तो हम रिदम को चेक कर लेंगे और नो जो इधर साइड वेंट्रिकुलर एस स्टॉल है इसमें फ्लैट लाइन होती है तो हमने रिदम चेक करनी है अब रिदम में अगर हमारे पास आता है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है पर्सन को या फिर पर्सन को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो ये दोनों कंडीशन क्या होती हैं अब वेंट्रिकुलर टेकिाडिया में भी हमें Uh, जो लाइफ ट्रीटिंग है जिसमें हमको एमरजेंसी ट्रीटमेंट देना होता है वो कौन सा है पल्सलेस पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकीडिया सो पल्सलेस जिसमें पल्स फील नहीं होती तो ये दोनों क्या है शॉर्बल रिदम है शॉकेबल मीनस इसमें हमको शॉक देना होता है डिफिब्रिलेटर देना होता है ये दोनों रिदम शॉक से रिस्पॉन्ड करती हैं राइट right? और दूसरी तरफ अगर हम वेंट्रिकुलर एस स्टॉल की बात करें या फिर पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी सो पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी एस स्टॉल की तरह ही होती है बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो होती है हमें ई ग्राफ़ पर लेकिन वो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो एक तरह से आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो किसी रीजन से शो हो रही है ग्राफ पर लेकिन एक्चुअल में पल्स प्रेजेंट नहीं है एक्चुअल में पेशेंट की सर्कुलेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये आप प्री एस स्टेज भी बोल सकते हैं कि ये फर्दर देन एसिस्टॉल में ही कन्वर्ट होगी तो ये दोनों डेंजरस है एसिस्टॉल भी और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा टॉपिक सो ये क्या है नॉन शार्केबल रिदम है नॉन शॉकेबल मीन्स इसमें अगर हम शॉक देते भी हैं तो पर्सन शॉक से रिस्पॉन्ड नहीं करता डिफेब्रिलेटर से रिस्पोंड नहीं करता तो ये नॉन शॉकेबल होती है इसमें हम डिफेब्रिलेटर नहीं देते तो दैट इज़ एस स्टॉल एंड पर्सनलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एस स्टॉल और एस uh, स्टॉल जो कंडीशन है ये क्या है मीन्स जो मैंट्रिकल बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर गए हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट में प्रेजेंट नहीं है तो अगर हम शॉक भी देते हैं तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी

ट्रेशन ऑक्सीजन और साथ में ही सीपीआर दोनों चीजें कंटिन्यू करेंगे हम साइमल्टेनियसली सो so वैसे तो सी ए बी होता है लेकिन हम साइमल्टेनियसली करने का ट्राई करेंगे तो हमने कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन सी पी आर फोर मिनट तक देना है साथ में ही हमने पर्सन को हाई कॉन्सनट्रेशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है बैग एंड मास्क ऑक्सीजन यूजली हम इनिशियली हम यूज़ कर सकते हैं उसके साथ में ही हमने ट्राई करना है कि हम पेशेंट को इंट्यूबेट कर सकें सो so, इंट्यूबेट करने से क्या होगा कि जो ब्रीदिंग है वो मेनटेन हो जाएगी आर्टिफिशियल जो रेस्पिरेशन है वो पेशेंट को जाएगी और ब्रीदिंग के लिए हमें बीच में सी पी आर को इंटरप्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सी पी आर क्या है थर्टी रेशो टू लेकिन अगर हम इंट्यूबेट कर देते हैं और हाई ये कंसनट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं वेंटिलेट करते हैं पेशेंट को तो उससे हमें बीच में इंट्रप्शन नहीं देनी पड़ती सी पी आर हमारा कंटिन्यू रहता है सर्कुलेशन कंटिन्यू रहती है तो फिर और साथ में ही हमने पेशेंट का इंट्रावेनस और इंट्रा एक्सेस बनाना है सो इस एक्सेस से क्या होगा कि हम पेशेंट को आईवी कोई ड्रग देना है तो वो दे सकते हैं अगर आईवी पॉसिबल नहीं है तो हम इंट्रा रूट फॉलो करते हैं अब इसके बाद हमने जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग है जो फर्स्ट ड्रग प्रेफ़र किया जाता है नॉन शोकेबल रीदन में वो क्या है एड्रेलिन और एड्रलिन का दूसरा नाम क्या है एपीनेफ्रिन तो एड्रलिन हम देंगे 10 माइक्रोग्राम पर केजी तो 10 माइक्रोग्राम पर के जी ही होगा एड्रलिन की डोज एड्रलिन देते ही हमने 10 एम बाद में नॉर्मल सलाइन से फ्लश कर देना है ताकि एड्रलिन जो है अपने रूट तक पहुंच जाए क्योंकि बहुत स्मॉल डोज है अगर हम फ्लश नहीं करते वो वहीं पर रहने के चांसेस हो जाते हैं उसके तो हमने फ्लश कर देना ताकि वो रूट तक पहुँच जाए सो so, जो अपना टारगेट है वहाँ तक पहुँच जाए एड्रिलीन नाउ एड्रेलिन देने के बाद ही हमने जो सी पी आर है वो दोबारा से कॉन्टिन्यू कर देना है एंड हमने हर दो मिनट के बाद मोनिटर को चेक करना है रिदम के लिए कि रिदम वापस आई है या फिर नहीं या फिर रॉस्क दैट इज रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन तो स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन रिटर्न हुई है या नहीं उसके साइंस वापस दिख रहे हैं या नहीं तो उसके लिए हम पल्स और बीपी चेक करते रहेंगे सो so, एड्रलिन क्या करता है एड्रलिन बेसिकली वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है सो so, ये स्ट्रॉन्ग वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उसके परफ्यूजन प्रेशर को इंक्रीज कर देता है जिससे क्या होता है कि हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं दोबारा से तो एड्रलिन uh, और क्या करता है स्पॉन्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन जो है हार्ट की उसको भी रिटर्न लेकर आता है उसमें हेल्प करता है सो so एड्रलिन देते ही हमने सी दोबारा से कॉन्टिन्यू कर देना है और फोर मिनट बाद अगर हम अगर मैंने मोनीटर पर साथ साथ हम दो मिनट बाद देखते रहेंगे कि मोनीटर पर रिदम वापस आई है या फिर नहीं तो अगर रिदम नहीं आई जो स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन है वो रिटर्न नहीं होती तो हमने फोर मिनट सीपीआर परफॉर्म करके देन एड्रलिन देना है वही सेम डोज देन फोर मिनट सीपीआर करके एड्रलिन देना है तो ये हमने कॉन्टिन्यू करते रहना है एज पर प्रोटोकॉल और uh, हमने एटलीस्ट फोर मिनट्स का डिफरेंस रखना है एडलिन की नेक्स्ट डोज के लिए सो आफ्टर फोर मिनट हम एडलिन दोबारा दे सकते हैं सो दिस इज अबाउट नॉन शॉकेबल रिदम अब शॉकेबल रिदम है मींस वेंट्रिकुलर टेकिकाराडिया है या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है तो इन दोनों केसेस में दैट इज पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकी सो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकी विद पल्स वाला इसमें नहीं आएगा सो पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकी एंड वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दोनों v v -fab, वी टेक वी फैब वी फेब ये क्या है शॉकेबल है तो इसमें हमने डी का यूज करना है तो हमने जैसे ही असेस कर लिया कि ये शॉकिबल रिदम है हमने शॉक देना है डिफिब्रिलेटर शॉक देना है दैट इज़ फोर जूल पर के जी उसके बाद साथ ही हमने टू मिनट्स सी परफॉर्म करना है और टू मिनट बाद ही मोनिटर को चेक करना है फॉर साइंस ऑफ रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन साथ में ही हमने पेशेंट को शौक देते ही इंट्यूबेट करने का ट्राई करना है ताकि पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो मेंटेन हो सके और बार बार रेस्क्यू ब्रीद देने के लिए बीच में सीपीआर को इंटरप्ट ना करना पड़े हाई फ्लो ऑक्सीजन हम पेशेंट को देंगे आईवी और इंट्राओशियस ऑक्सीस हम पेशेंट का मेंटेन कर देंगे फॉर ड्रग्स ताकि हम ड्रग्स दे सकें सो so देन दोबारा से टू मिनट्स के बाद हमने शॉक देना है पेशेंट को फोर जूल पर के जी मोनीटर पर हम चेक करते रहेंगे कि रिदम वापस आई है जो रिटर्न और स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन है वो रिटर्न हुई है या फिर नहीं तो हमने शॉक अगेन फोर जूल पर के जी देना है उसके बाद हमने साथ में ही सी कंटिन्यू कर देना है टू मिनट्स के लिए और दो मिनट बाद मोनीटर को चेक करना है अब हम फर्स्ट डोज देंगे एड्रीन की यहाँ पर एड्रलिन के डोज होगी 10 माइक्रोग्राम पर के जी सेम वहाँ पर भी 10 माइक्रोग्राम पर के जी देन हमने दोबारा से साथ में ही शॉक देना है 4 जूल पर के जी का उसके बाद हमने 2 मिनट सी पी आर परफॉर्म करना है 2 मिनट्स के बाद मोनिटर चेक करना है उसके बाद हमने सेकेंड ड्रग जो देनी है वो देनी है एम्योडेरोन फाइव एम जी पर के जी एम्योडेरोन एंटी रिदमिक ड्रग है तो ये जो एबनॉर्मल रिदम है उसको रेगुलेट करने में हेल्प करती है एम्योडेरोन हम शॉकेबल रिदम में देते हैं नॉन शॉकेबल में हम एड्रलिन देंगे ओनली नाउ एम्योडेरोन देते ही हमने फिर टू मिनट सी पी आर परफॉर्म करना है और मोनीटर को चेक करते रहना है टू मिनट्स बाद और अब नेक्स्ट एड्रलिन डोज हम देंगे अगर मोनीटर में फिर से रिदम नहीं आती तो फिर हम नेक्स्ट एड्रलिन डोज देंगे अब फर्स्ट एड्रलिन और सेकेंड एड्रलिन में देखो फोर मिनट्स का डिफरेंस है तो एड्रलिन देते ही हम शॉक देंगे पेशेंट को एड्रलिन के बाद जो भी ड्रग हम एम्योडेरोन दे रहे हैं एड्रलिन दे रहे हैं टेन एम एल हम बाद में नॉर्मल से लाइन का फ्लश करेंगे उसके बाद हम फिर से शॉक देने के बाद टू मिनट सी परफॉर्म करेंगे और टू मिनट्स के बाद मोनीटर चेक करेंगे उसके बाद अगेन हम शॉक देंगे फोर जूल पर के का उसके बाद साथ में ही हम टू मिनट सी देंगे और मोनीटर को टू मिनट्स के बाद चेक करेंगे अगेन रिदम प्रेजेंट नहीं है रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन नहीं है तो हम फिर फोर मिनट्स के डिफरेंस पे एड देंगे और देन शॉक देंगे अब जब तक पेशेंट रिटर्न नहीं होता अपनी सर्कुलेशन पे तो हमने पेशेंट को शॉक देना है देन एड्रेलिन डोज देनी है शॉक देना है टू मिनट सीपीआर चेकमोनीटर एड्रेलिन, देन शॉक टू मिनट सी पी तो ये प्रोटोकॉल देन हमने कॉन्टिन्यू रखना है अब इन सब केसेस के बाद भी अगर पेशेंट को जो रिदम है सर्कुलेशन के साइन है वो नहीं दिखाई देते तो हमने अंडरलाइन कोज देखना है मे बी सम अंडरलाइन कोज हो सकता है साथ में ही हमने फोर एच और फोर टीज को कंसिडर करना है फोर एच एंड फोर टीज सो फोर एच क्या है हमारा एच इज़ फर्स्ट इज हाइपोकेमिया हाइपो हाइपोथर्मिया हाइपोक्सिया हाइपोविलीमिया एंड फोर टीज हमारे हैं इसमें हमारे आते हैं टेंशन न्यूमोथेरिक्स कार्डियक टेम्पोनेड टॉक्सिक सब्सटांसेस एंड थ्रोम्बोएम्बोलिक सो so, कार्डिय के रिदिमिया के सारे पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो so, सारे लिंक्स कार्डिय के रिद्मिया के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑल्सो इफ यू अंडरस्टर्ड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग